जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर की तरफ से। आज हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं मॉक लेकर आया हूं आपके लिए। क्लास हमारी तीसरी है, डेली हमारी मॉक्स आती हैं और आप ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम उन क्वेश्चंस की तरफ जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है, यानी कि एल्टीट्यूड पर स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ये जो टाइम है ये 20 डिग्री और 22 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, या 29 डिग्री 33 मिनट से लेकर 33 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 33 24 24 60 या 50 62 या 24 60। तो चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है तो उसका आंसर मैं बता देता हूं। तो उसका करेक्ट आंसर है 30 22 से 30 12 उत्तरी अक्षांश पर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न चलता है, हिमाचल प्रदेश की उत्तर दिशा में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी स्टेट कौन सी है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तो चार ऑप्शन में से आप करेक्ट ऑप्शन बताएं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप कमेंट करते रहें आप साथ साथ में। तो मैं इसका आंसर बता दूं, तो उसके लिए जो आंसर है वो हमारा है उत्तर दिशा में, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्योंकि जो इसमें ऑप्शंस हैं हरियाणा जैसे हैं वो हमारा साउथ यानी कि दक्षिण में पड़ता है, पंजाब वेस्ट यानी पश्चिम में है, और नॉर्थ में, जैसे आपको आंसर पूछा भी था या क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में जो है कौन सा स्टेट है, तो ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है हिमाचल प्रदेश। पहले तो ये स्टेट था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यहाँ से धारा 370 और 35 ए आर्टिकल को जो है वो हटाया गया था। और उत्तराखंड ये साउथ ईस्ट पूर्व दक्षिण पूर्व में आता है। इसी प्रकार से मैं दोस्तों आपको बताऊं तो हिमाचल की जो सीमाएं हैं वो 1170 किलोमीटर लंबी हैं, और हिमाचल के जो दक्षिण में है वो हरियाणा के साथ साथ में उत्तर प्रदेश राज्य भी हमारे साथ लगता है। उत्तर दिशा की बात करें तो जम्मू कश्मीर ही है, और पश्चिम भी की बात करें तो पंजाब है, पूर्व की बात करें तो तिब्बत, और जो कि अभी जो चीन के अधिकृत है वो पड़ता है, और दक्षिण पूर्व में जो है वो उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल, जो आपको ऑप्शन आई थी, मतलब करेक्ट ऑप्शन जो हमारे साथ चलेगी वो चलेगी हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर। और अगर मैं हिमाचल में बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई जो है वो 270 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक पहाड़ियों का जो पुराना नाम क्या था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, मोनाक पर्वत है या नागा पर्वत है, देव पर्वत है या शिव पर्वत है, चार ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी ऑप्शंस दें। इसी प्रकार से मैं अगर आपको ज्ञान की बात करूं तो हमारे यहाँ पर जास्कर भी है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, और शिवालिक फर्स्ट है जो है वो है, तो पहले नंबर पर है। तो जो करेक्ट आंसर है वो उसका नाम है मेनाक पर्वत। तो मेनाक पर्वत जो है वो शिवालिक पहाड़ियों का जो है वो पुराना नाम था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है? आपके पास ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस, कांगड़ा, मंडी, चंबा और किन्नौर। तो पीर पंजाल श्रृंखला कौन से में पड़ती है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, दीजिए आप कमेंट करिए। और मैं आपको बताऊं तो कांगड़ा के बीच में जो है आपकी और चंबा में वो धौलाधार श्रृंखला आती है, इसी प्रकार से मंडी में जो है वो भी धौलाधार से जुड़ी हुई है, किन्नौर जास्कर के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसके साथ
रहेंगे और करेक्ट ऑप्शन रहेगी। अगला प्रश्न है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है? धौलाधार मेनली कौन से में सबसे ज्यादा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कांगड़ा है, चंबा है, कुल्लू है, किन्नौर है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और जो कि हमारे पालमपुर की वादियां और धर्मशाला हुआ, तो ये हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं ही चल रही हैं। इसी प्रकार बीड़ बिलिंग तक चले जाएंगे आगे तक। नेक्स्ट आ जाता है, छोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है? चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति या किन्नौर? तो जल्दी से आप अपना ऑप्शंस जो है वो दें। तो इसका करेक्ट आंसर है जो छोबिया है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगी। और यहाँ का जो पुराना या सबसे इम्पोर्टेंट जो दर्रा रहेगा वो रहेगा सांच पास। सांच पास में आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्फबारी का भी दौर अब शुरू हो रहा है और होने वाला है और ज़्यादा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? बारालाचा जो है वो ऑप्शन है आपके सामने कुल्लू, किन्नौर और चंबा और लाहौल स्पीति। तो जल्दी से कोई भी ऑप्शन जो है वो टिक लगाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बारालाचा है वो उस जिले में है जो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे कम जनसंख्या भी उसी जिले की है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील यानी कि जो नेचुरल झील है, लेक है, वो कौन सा है? रेणुका है, खजियार है, मणिमहेश है या चंद्रकांत झील है, या चंद्रताल बोल सकते हैं, चंद्रताल झील है। तो चंद्रताल झील कौन सी है अब बताएं आप, ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेणुका, यानी कि जो कि सिरमौर जिले में पाई जाती है, और मणिमहेश जो है वो चंबा में है, खजियार डलहौजी के साथ यानी कि चंबा जिले में ही आती है, और चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति में है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया है कि हिमाचल पुलिस में जो है वो झीलों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसलिए एक बार जरूर उसको ट्राई करें और तैयारी करें। करेरी झील किस जिले में पड़ती है? ऑप्शंस हैं कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, चारों ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से आप आंसर दें कि करेरी झील कहां पर है। मैं आपको इसका आईडी दे देता हूं, ये शाहपुर के साथ में है, और शाहपुर से ये 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर जो है ये करेरी लेक मिलती है, यहां से शॉर्टकट रास्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कांगड़ा जिला है, और कांगड़ा में ही डल झील भी जो है मैक्लोडगंज के साथ नड्डी के पास जो है वो है, और कुल्लू में जो है वो गर्म पानी के चश्मे हैं जो कि विशिष्ट के नाम से हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि और जीके के बारे में, तो मैं आपको बताता हूं कि तिब्बत जो है चीन के साथ लगता है, तो मतलब तिब्बत जो है वो चीन के अंदर ही आता है। तो इसके साथ हमारे जो हैं हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है वो जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड के साथ जो है किन्नौर, शिमला और सिरमौर है, जम्मू कश्मीर के साथ चंबा जिला लगता है, हरियाणा के साथ हमारा सोलन और सिरमौर लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ सिरमौर लगता है, पंजाब ऐसा राज्य है जिसकी सबसे अधिक सीमाएं जो हैं वो हिमाचल के सबसे अधिक जिलों के साथ भी लगती हैं, जो 6 जिले हैं। तो कौन कौन से हैं? सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा, इन जिलों के साथ जो है पंजाब की सभी सीमाएं जो हैं वो लगती हैं। तो आज का आपको ज्ञान कैसे लगा, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करें, क्योंकि हिमाचल पुलिस के लिए जो है विजय पथ एजुकेशन के बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल करें। जय हिंद।